हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और जो है आज तारीख है 4 सितंबर, और यहाँ जो है पूरी रात मेला रहा और सभी लोग घर जा चुके हैं, और जो लोग घर जा चुके थे रात में यहाँ नहीं रुके, तो वो लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो जो है अब जो है मेले की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं। इस गाँव के जो भी लोग हैं धीरे धीरे यहाँ पर आके अपनी तरफ से पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये जो सिलसिला है ये करीबन 12 बजे तक चलेगा। तो गाइस यहाँ पर जो है पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो यहाँ पर जो भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है अपने अपने पंडित को यहाँ पर लाके पर्सनली पूजा करा रहे हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर जो है हर कोई अपने अपनी फैमिली के साथ आने के बाद यहाँ पर इस तरह से पूजा कर रहे हैं। इस मैदान में बहुत गर्मी है और हम खा रहे हैं सबसे पहले आइसक्रीम, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें क्या क्या लगी हुई हैं। तो मेरे साथ हैं भाई लोग, तो यहाँ पर लगा है चाट और मोमोज का कॉर्नर, और यहाँ पर जो है तो ये जो भाई हैं हमारे 2 किलोमीटर के रहने वाले ही हैं, तो इनसे जो है मॉर्निंग में इंट्रोडक्शन हो गया था। तो यहाँ पर तली जा रही है चाउमीन। तो यहाँ पर जो है 2 किलोमीटर से ही जो हमारे भाई आए हैं बच्चन सिंह बोरा, वो भी फैमिली के साथ, ये हमारे भाई साहब। तो हम इनसे जो है परसों मिल गए थे। तो गाइज मैं आपको जो है आज यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और किस तरह की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहाँ पर के क्षेत्रीय लोग ही हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए पूरा मैदान खाली है, और इस तरफ जो है ये लोग सामान उठा रहे हैं, टेंट का सामान है और कुछ और भी सामान होंगे, तो ये कल भी तैयारी करेंगे। तो मैं जो यहाँ पर कल जल्दी आकर आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी हो रही है, किस तरह की संस्कृति है, क्या करते हैं ये लोग, किस तरह से हम लोग जो है नंदाष्टमी की पूजा करते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से हम दिखाने वाले हैं कल। तो बने रहें चैनल पर और मिलते हैं नेक्स्ट डे। और ये जो है करीबन 20 साल से इस जगह पर टेंट की सेवा दे रहे हैं, और अभी भीड़ है, कल तो और भी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पर झोड़ा चांचरी से लेकर हर चीज, सारी संस्कृति हमारी जो पुरानी है वो पूरी विरासत यहाँ पर पूरी देखी जाती है। कई लोग दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं, हर किसी को लगता है कि हाँ मंदिर में जाने का क्या महत्व होता है, इस मेले का महत्व के बारे में वो पूरी यहाँ पर वो करते हैं अपना। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, आप लोगों ने जो यहाँ पर आकर इस ग्राउंड से लेकर मंदिर कमेटी वालों को जो भी आपने वो भी किया, यूट्यूब के चैनल से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज ये जो है गंगा सिंह मेहरा बिंदुखत्ता के रहने वाले हैं, और इस जगह पर टेंट की जो सेवा है ये लोग 20 साल से फ्री सेवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया निशाना, अरे चचा मजा आ, सारे गिलास गिरा दिए एक शॉट में मजा आ गया। तो यहाँ पर चल रहा है निशानेबाजी का खेल और लगे हैं सामने बहुत सारे गिलास, तो इन भाई साहब ने जो है गिलास गिरा दिए पहली बार में, मजा आ गया। तो यहाँ पर जो है टैटू बनाए जा रहे हैं। तो इस जगह पर जो है 2 तरह के टैटू हैं, एक तो छापने वाला है और एक परमानेंट वाला है जो कि इंजेक्शन से इंजेक्ट किया जाता है। तो काफ़ी लोग इसे बनाते हैं, तो मुझे तो ये चीज़ नहीं पसंद है। तो यहाँ पर स्टिकर वाले भी टैटू हैं। तो गाइज यहाँ पर लगा है झूला, तो ये है बच्चों के लिए, इसमें बड़े भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर बड़े लोग इसमें शायद मेरे ख्याल से पसंद नहीं करेंगे बड़े लोग। तो ये जो मेला है ये जो है 5 बजे समाप्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप इधर कब आए? अच्छा सुबह से हो। अच्छा यहाँ पर आप मंदिर के मतलब कार्यभार जो भी है, मतलब पूजा पाठ, इस चीज़ को देख रहे हो? देख रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आप इतनी मेहनत से लगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब के लिए, तो अंकल बता रहे हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है कल से आया हूँ और काफ़ी रात भी और दिन भी सुबह भी मैं काफ़ी टाइम दिया हूँ और पसीना कितना आ रहा है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें, और यदि आप भी इस तरह के प्रोग्राम आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अंकल धन्यवाद आपका, नमस्कार। और तो अब हम चलते हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं, और ये हैं मंदिर के पुजारी, मेन पुजारी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर जो है इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम किया, और हम लोग इनको धन्यवाद करते हैं कि हमें यहाँ पर जो है मौका दिया वीडियो बनाने का, और अच्छा लगा इस मंदिर में आके। तो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले साल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ तो ये यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं और जो है इनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ के जो है पुजारी जी से प्रसाद ले रहे हैं तो काफी अच्छा लगा। तो अब चलते हैं और काफी टाइम हो चुका है गाइज, अब हम विदाई लेते हैं। तो पढ़ा तो गाइज चलते हैं, अब हम जाने को तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। ये जो है इनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी जो है अपनापन होता है ना, किसी से मिल जाओ और एकदम से इतनी जल्दी किसी से अच्छा व्यवहार बनता है। तो अब मैंने सोचा कि इनसे लास्ट टाइम जो है अब मैं विदाई ले लेता हूँ, मिलके ही जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने पूरे मेले का जो है आपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से शेयर करा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है उसको इस कैमरे के माध्यम से और अपने माध्यम से जो है आपने कितना अच्छा रीजन दिया है, इसके लिए मैं आपका जो है शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे युवा साथी हमेशा बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो भाई जब चलते हैं और अंकल से भी मुलाकात हो गई है। यहाँ पर जो भी लोग थे जिनको मैंने जाना पहचाना और जिनसे मिले थे हम शाम को, उनसे एक बार लास्ट टाइम हम मिल गए हैं और बहुत अच्छा लगा इस गांव में आके। तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ घर और जो है दो दिन मेरे बहुत अच्छे रहे और साथ ही जो है बहुत इंजॉय भी किया और बहुत सारे दोस्त बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।